नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से गुरुकुल बिज लर्निंग चैनल में पावर्ड बाय फ्लायर बिजनेस इंटेलिजेंस। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में, अगर आप अपने बिजनेस में, अगर आप अपने कैरियर में बार बार फेल हो रहे हैं, आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, आप अपने उस कार्य को करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा उपाय जिसकी मदद से आप अपने बिजनेस को, आप अपनी लाइफ को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो दोस्तों, क्या है वो उपाय जिसकी मदद से आप अपनी लाइफ को, आप अपने बिजनेस को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सक्सेसफुल बना सकते हैं, जानने के लिए हमारी ये वीडियो आखिर तक देखिए। दोस्तों, आज मैं आपके सामने बात करूंगा गीता के उस श्लोक के बारे में जिसे मुंह से तो बहुत लोग बोलते हैं, इवन आपके सामने इस श्लोक को, उसके हिंदी व्याख्यान का अर्थ भी हर कोई आपके सामने कई बार करेगा, लेकिन लोग पूर्णतः उस श्लोक के अर्थ को अपने जीवन में पालन नहीं करते हैं, इवन यहाँ तक कि उसका मतलब भी पूरी तरीके से नहीं समझते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बताऊंगा कि कौन सा गीता का श्लोक आपके बिजनेस को, आपकी लाइफ को एक बार में पूरी तरीके से चेंज करके रख देगा। दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि लोग आपसे अक्सर कहते हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। आपके टीचर्स, आपके गुरु, आपके आस पड़ोस वाले, हर कोई आपसे कहता है कि बेटा कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गीता में ऐसा क्यों कहा गया कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो? इसके पीछे रीजन क्या है? भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन के लिए ये उपदेश देने का अर्थ क्या था, ये उपदेश देने का रीजन क्या था कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो? आज मैं आपके लिए बताऊंगा कि इस लाइन का उपयोग आप अपने बिजनेस में किस तरीके से कर सकते हैं एवं इस लाइन का सही अर्थ क्या है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। दोस्तों, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये बात केवल इसलिए कही थी कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, कि हे अर्जुन, अगर तू फल की इच्छा रखकर कोई भी कर्म करेगा या तू जो कर्म करने जा रहा है पहले से ही अपने मन में निश्चय कर लेगा कि उसका फल क्या होने वाला है, और अगर उस कर्म करने के पश्चात तुझको उस कर्म का वो फल प्राप्त नहीं होता है जो तूने अपने मन में निश्चय किया है, जो तूने सोचा है, तो तू पूर्णतः नास्तिक बन जाएगा और अपने मार्ग से भटक जाएगा। क्योंकि हम जब भी कोई काम करते हैं तो हम अपने मन में पहले से ये बात सोच लेते हैं कि अगर मैं ये काम करूंगा तो उसका फल यही होने वाला है। दोस्तों, इस बात के लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक लड़का जो क्लास 12th के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, बोर्ड एग्जाम उसके नज़दीक है और उसके बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, और वो लड़का अपने उन एग्जाम्स के लिए दिन रात मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। ना उसे खाने का ध्यान है, ना उसे पीने का ध्यान है, बस उसे अपने एग्जाम की तैयारी करनी है और वो दिन रात लगा हुआ है। धीरे धीरे करके बोर्ड के एग्जाम का समय नज़दीक आता है और वो बोर्ड के एग्जाम में एग्जाम देने के लिए बैठता है। अब जो बच्चा बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहा था, जो दिन रात लगा हुआ था, जिसे ना ये ध्यान था कि मुझे खाना किस टाइम है, मुझे पीना किस टाइम है, वो तो यही सोचकर मेहनत कर रहा है ना कि जब मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूंगा तो मैं अच्छी परसेंटेज ला पाऊंगा, मैं अपने क्लास में टॉप करूंगा और अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉप करूंगा। लेकिन रिजल्ट तो उस बच्चे के हाथ में नहीं है ना, लेकिन वो रिजल्ट की आशंका करके, रिजल्ट की चिंता करके पहले से ही उस चीज़ के बारे में सोच रहा। अब अगर इतनी मेहनत करने के बाद वो बच्चा एग्ज़ाम में वो रिजल्ट नहीं ला पाता है जो उसने एक्सपेक्ट किया था, तो अब इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? इसका परिणाम ये होगा कि उस बच्चे का पूरी तरीके से पढ़ाई पर से मन हट जाएगा, पूरी तरीके से विश्वास उठ जाएगा, और इसके परिणाम स्वरूप जो उसे दोबारा मेहनत करनी चाहिए थी अब वो उसको छोड़ देगा। चलिए दोस्तों, अब इसके दूसरे पहलू को देखते हैं। इसी कहानी के हम दूसरे पहलू पर ध्यान देते हैं। एक बच्चा जो बोर्ड के एग्जाम नज़दीक आने वाले हैं, वो भी उसके साथ साथ तैयारी करने के लिए बैठा, वो भी दिन रात लगा हुआ है, वो भी दिन रात मेहनत कर रहा है किसी भी सब्जेक्ट को लेकर कि मुझे अच्छे मार्क्स लाने इस चीज़ को लेकर। लेकिन उसके मन में ये विचार है ही नहीं कि मुझे क्लास में टॉप करना है या मुझे सिटी में टॉप करना है या मुझे डिस्ट्रिक्ट में टॉप करना है। वो केवल अपना कर्म कर रहा है और अपने कर्म के साथ साथ अपने काम को ईमानदारी से कर रहा है। उसे इस चीज़ से बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि जो मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, उसका परिणाम क्या होगा। अब एग्ज़ाम में बैठने के बाद, एग्ज़ाम का रिजल्ट आने के बाद, यदि वो फेल भी होता है किसी भी सब्जेक्ट में या अपने एग्ज़ाम में, तो वो दोबारा से उतनी ही मेहनत करने के लिए सक्षम है क्योंकि उसने उस रिजल्ट की कोई भी एक्सपेक्टेशन अपने माइंड में नहीं रखी थी। तो दोस्तों, इसी प्रकार हम अपने बिजनेस में,
हम अपनी लाइफ में अगर गीता के इस श्लोक का पालन करें कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, क्योंकि अगर हम फल की इच्छा करेंगे तो वो पॉजिटिव ही होगी, एक पॉजिटिव फल की ही इच्छा करेंगे, और अगर वो फल हमें नहीं प्राप्त होता है तो हम लोग उस कर्म को करना छोड़ देंगे, हम लोग अपने मार्ग से भटक भी सकते हैं। इसलिए हमको हमेशा अपने बिजनेस में केवल अपना बेस्ट देना चाहिए, अपने कर्म पे ध्यान देना चाहिए। हमें कभी भी ये एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए कि अगर मेरा बिजनेस सक्सेस हो जाएगा पहले से तो मैं एक ऑडी खरीद लूँगा, मैं एक मर्सिडीज़ खरीद लूँगा, या मैं एक अच्छी कोठी बना के खड़ी कर लूँगा। अगर आप अपने कार्य को ईमानदारी से करते हैं तो ये सारी चीज़ें तो ऑटोमेटिकली आपको मिलेंगी। लेकिन अगर आप पहले से एक्सपेक्टेशन करते हैं कि मेरा बिजनेस सक्सेस हो जाएगा तो मैं ये सारी गाड़ियाँ खरीद लूँगा, ये सारे बंगले खरीद लूँगा, और इन केस अगर आपका बिजनेस सक्सेस नहीं होता है तो आप पूरी तरीके से निराश हो जाएंगे और आप दोबारा मेहनत करने के लिए भी पीछे हटेंगे। तो दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप मेरी इस लाइन को, आप गीता के इस श्लोक को अपने बिजनेस में, अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करें और इसका रिजल्ट देखें। हमारी इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए और बिजनेस से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के लिए आप हमारे गुरुकुल बिज लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को कमेंट में बोल सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई भी सोल्यूशन पा सकते हैं। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।